Leviticus. Now listen. बलिदान को खत्म किया एंड ही टुक सम ऑफ द ब्लड एंड पुट इट ऑन द टिप ऑफ Aaron's राइट ईयर टच योर राइट ईयर और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर अपने दाएं कान को छुए दैट मींस ही टुक द ब्लड ऑफ द सैक्रिफाइस और इसका मतलब यह है कि उसने मूसा ने बलिदान का लहू लिया एंड ही पुट इट ऑन द राइट ईयर और उसने दाएं कान पे लगाया हेलो आर यू देयर फर्दर ऑन इट सेज आगे वचन कहता है ऑन एंड ऑन द थंब ऑफ हिज राइट हैंड टच योर थंब नाउ और देखिए अब आपका अंगूठा जो है उसे छुए दाएं हाथ के हेलो ही पुट द ब्लड वेयर फर्स्ट और पहले उसने लहू कहां लगाया वेयर कहां पर देन ही पुट द ब्लड वेयर फिर उसके बाद ऑन द थंब फर्दर अंगूठे पर वचन आगे कहता है एंड ऑन द बिग टो ऑफ हिज राइट फुट टच योर टो और अपने दाहिने पांव के जो बड़ा अंगूठा है उस पर भी लगाया सो द थ्री प्लेसेस तो तीन जगह दैट मोसेस पुट द ब्लड मूसा ने लहू को लगाया ही पुट इट ऑन द ईयर पहले उसने कान पर लगाया ही पुट इट ऑन द थंब फिर उसके बाद उसने अंगूठे पर लगाया एंड ही पुट इट ऑन द टो फिर उसके बाद पांव के अंगूठे पर लगाया दिस वाज फॉर Aaron और देखिए ये तो हारून के लिए था नाउ प्लीज लिसन अब ध्यान से सुने द बाइबल सेज इन फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 और बाइबल ऐसा कहती है कि पहला पत्रस का दूसरा अध्याय 9वें वचन में यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड कि आप राजसी याजक हैं अ होली नेशन आप पवित्र लोग हैं एंड यू आर अ स्पेशल पीपल और आप खास लोग हैं Now in Jesus, और देखो यीशु में, we are not a ritual priesthood, we are a royal priesthood. हम रीति-रिवाज वाले याजक पद के व्यक्ति नहीं हैं, हम राजसी याजक पद वाले व्यक्ति हैं। Hello, how many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं? Today, आज, no matter whether you are poor, whether you are rich, whether you are black, white, or anybody. God calls you a royal priesthood if you believe in Jesus. अगर आज आप गरीब हो अमीर हो चाहे गोरे हो काले हो कोई भी क्यों ना हो अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको राजसी याजक के रूप में कहता है Hallelujah. बोलो Hallelujah. So now please listen carefully. अब ध्यान से सुनिए Now what Moses was doing was और मूसा क्या कर रहा था यहां? He was preparing them to walk in that priesthood. और वो उन्हें तैयार कर रहा था उस याजक पद में चलने के लिए How many understanding what I'm saying? कितने लोग समझ रहे हैं इस वक्त This what Moses was doing, और यही काम मूसा कर रहा था He was preparing Aaron, वो हारून को तैयार कर रहा था And if you read the next verse, he was preparing his sons, और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो उसके पुत्रों को तैयार कर रहा था to fulfill that ministry, उस सेवकाई को पूरा करने के लिए of the priesthood. याजक पद की Write it down, second point. लिख लो इसे दूसरा मतलब What is the priesthood ministry? और याजक पद की सेवकाई क्या होती As a priesthood, एक याजक पद के रूप में लिसन सुनो यू कैन प्रे फॉर समवन आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो एंड गॉड विल आंसर यू और परमेश्वर आपको जवाब देगा Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया इफ यू गो होम टुडे अगर आज आप घर जाते हैं एंड प्रे फॉर योर वाइफ और अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हो शी विल रिसीव मिरेकल्स तो उसे चमत्कार मिल जाएगा शी विल गॉड व्हेन यू प्रे फॉर योर चिल्ड्रन जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करोगे गॉड विल आंसर योर प्रेयर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा व्हाई क्यों बिकॉज़ यू आर Part of the priesthood. क्योंकि आप याजक पद का हिस्सा हैं. Hallelujah. बोलो Hallelujah. My friend, don't take what I'm saying lightly. और दोस्तों जो भाई कह रहे हैं उसे हल्के में मत लो. See, we love our families. और देखिए हम अपने परिवारों से प्यार करते हैं. How many of you love your family? कितने लोग अपने परिवार से प्यार करते हो? जी हाँ. So now what I'm sharing with you. तो जो अभी बांट रहे हैं आपके साथ. Not only you. Now the anointing is on you. और देखिए अब अभिषेक आपके ऊपर है. Now I want you to go home today. तो चाहते हैं कि आज आप घर जाएं. And pray. For your family members to receive miracles. और अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करो कि उनको भी चमत्कार मिल जाए. Come on, hallelujah. बोलो hallelujah. And not only your family. और सिर्फ आपके परिवार ही नहीं. Tell them. उनको बोलना. I'm going to pray for you. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा. You will see God move in your situation. और तुम परमेश्वर को अपने हालात में काम करता हुआ देखोगे. They will laugh at you. वो आप पर हंसेंगे. You should tell them, look. आपको उनको बोलना है. देखो. You want to laugh now? Laugh. तुम अब हंसना चाहते हो तो हंसो. But after some days. मगर कुछ दिनों के बाद. I will laugh. मैं हंसूंगा फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड परमेश्वर की महिमा के लिए Somebody shout an amen. कोई चिल्लाए आमेन And that time, और उस समय you must not laugh. आपको नहीं हंसना है you must say, आपको कहना है It is Jesus. ये यीशु का काम है you must give the glory to Jesus. आपको महिमा जो है यीशु को देनी चाहिए Tell your neighbor, अपने पड़ोस को बोलो you are a priest. आप एक याजक है Come on, everyone say you are a priest. चलो सभी लोग बोलो आप एक याजक है Those are watching me say, I'm a priest. जो लोग हमें देख रहे हैं आप बोलो मैं एक याजक हूँ Hallelujah. So you have the power. तो आपके पास सामर्थ है to talk to God. परमेश्वर से बात करने की And God will answer. और परमेश्वर उत्तर देगा Now, now, अब go with me to verse 23 now. अब आगे वाले वचन में पढ़ेंगे How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं You are uneducated. अगर आप अनपढ़ हैं No problem. कोई बात नहीं You are a priest. आप याजक हो Hello?
Yes. जी हाँ. Now please listen. अब ध्यान से सुनो. How to function in this priesthood? और इस याजक पद में कैसे काम किया जाता है? Come on, everyone say how to function. सभी लोग कैसे काम किया जाता Come है? Come on, yes or no? हाँ या नहीं? That priest must have power to function in what God has called him to do. उस याजक के पास सामर्थ होना चाहिए उस चीज़ में काम करने के लिए जिसे करने के लिए परमेश्वर उसको बुलाया है. Now this has happened. Moses killed a sacrifice. He took the blood, put it on the ear, put it on the thumb, put it on the toe. और हम देखते हैं कि मूसा ने वहां पर बलिदान किया और उसका लहू लेकर पहले उसने कान पर लगाया, फिर उसके बाद दाहिने हाथ पर के अंगूठे पर लगाया, फिर उसके बाद पांव के अंगूठे पर लगाया. Now read verse 24. अब 24 वचन में पढ़ेंगे. Same thing he did it for Aaron's children. और यही काम उसने हारून के बेटों के लिए भी किया. Watch this. देखो. See, then he brought Aaron's sons. फिर उसके बाद उसने हारून के पुत्रों को समीप ले गया. And Moses put some of the blood of the sacrifice on the tip of their right ears. Everyone touch your right ears. सभी लोग अपने दाएं कान को छुएं. Of their right hands and the big toes of their right feet, and Moses sprinkled the blood around the altar. Now please listen, same thing what he did for Aaron, he same thing he did for his children also. और लहू में से कुछ एक एक के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया, और मूसा ने लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़का. जैसा उसने हारून के साथ किया था वैसे उसने उसके बच्चों के साथ भी किया. My third point. तीसरा मुद्दा. Please listen. ध्यान से सुने. In the Old Testament, पुराने नियम में, people used to offer sacrifices of goats, of bulls, of calves and lambs. But today we don't need a sacrifice because one sacrifice Jesus offered on the cross and that is himself. Somebody say amen there. और पुराने नियम ऐसा होता था कि लोगों को जो है बकरों का, गाय बैलों का, मेड़ों का ऐसा बलिदान चढ़ाया जाना पड़ता था, मगर नए नियम में बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है. एक ही बलिदान जो कि प्रभु यीशु मसीह खुद हो गया वो काफी है. Today you don't have to take a chicken and say, God, I give the chicken to you. No. और आज आप मुर्गी को लेकर जाके परमेश्वर से नहीं बोल सकते, परमेश्वर मैं आपको मुर्गी चढ़ाता हूँ. नहीं. हेलो. Don't laugh. There हंसो मत. परमेश्वर आला तुमसे चिकन पाजे. हाँ एक तो क्या मैं कहा परमेश्वर चिकन नहीं खाते, तू मदे बस ले लो तो खातो है. नहीं ये बड़ा काम है, इसके लिए बकरा लगेगा. ए बकरा वगैरह मत ले. No, you all are laughing. But there are some simple people over here. They have been told. और बलि लगेगा. और सीधे साधे लोग जिनको बोला गया कि इसके लिए बलि लगेगा. नो 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 नो. नहीं नहीं नहीं. You don't have to offer any sacrifice. आपको कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है. One sacrifice. एक ही बलिदान. Jesus, the perfect sacrifice. और यीशु जो सिद्ध बलिदान था. Come on, can we talk about Jesus? चलो हम यीशु के बारे में बात करेंगे. He offered himself to God. उसने अपने आप को परमेश्वर को चढ़ाया. Now that sacrifice will work for you. और वो बलिदान आपके लिए काम करेगा. How many of you say yes? This sacrifice will work for me. और कितने लोग कहते हैं हाँ ये बलिदान मेरे लिए काम करेगा? It will work for you. ये आपके लिए काम करेगा. Now watch this. अब गौर करें. Now. Moses applied the blood of that sacrifice on three areas. The first one was the right ear. Everyone say ear. और देखिए मूसा ने उस लहू को तीन क्षेत्रों में लगाया. सबसे पहले देखते हैं दाहिने कान पर. Hello, are you there? Now the Lord is not concerned only with our physical ears. और देखिए प्रभु जो है सिर्फ हमारे शारीरिक कान के बारे में ही फिक्र नहीं करता. The first thing if you want to function as a priesthood is the blood of Jesus must come upon your hearing. Everyone say my hearing. अगर आप प्रभु यीशु मसीह के याजकीय पद में काम करना चाहते हो सबसे पहली चीज जो है प्रभु यीशु का लहू आपके सुनने वाली शक्ति में आनी चाहिए. बाजू वाले को चिमटी मार. अगर वैसा बैठा है ना एकदम पार्क में चिमटी मार, मां स्विंग करके चिमटी मार. कान को छू. कान को छू ऐसा. गाल को मत छू, तुम्हारे गाल बहुत अच्छे हैं. Listen carefully. ध्यान से सुनो. Why God is concerned about your hearing? और क्यों परमेश्वर आपके सुनने की क्षमता के बारे में फिक्र करता है? Because one instruction from God. क्योंकि परमेश्वर की ओर से एक निर्देश can change your poverty into prosperity. Hallelujah. आपकी गरीबी को समृद्धि में बदल सकती है. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाएगा hallelujah. One instruction from God. परमेश्वर की ओर से एक निर्देश can change your barrenness into fruitfulness. Hallelujah. आपके बांझपन को फलवंतपन में बदल सकता है. Listen lady. सुनो. Look at Peter. पत्रस को देखो. He was toiling so hard like you people, good people. और वो बड़ी कड़ी मेहनत कर रहा था आप जैसे लोगों के जैसा, बड़े अच्छे लोग. He was not a lazy man. He like you. He was a very hard working man. और आप ही के जैसा वो बड़ा कड़ी मेहनत करने वाला इंसान था वो. Many of you are good people, hard working people. और आप में से बहुत सारे लोग बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं आप. People tell you. लोग आपसे बोलते हैं. Please do this. मेहरबानी करके ये करो. And you know it is right. और आप जानते हो कि ये सही है. But something is stopping you from doing that. मगर कुछ तो आपको रोकती है वो चीज करने से. How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं अभी? You know what I'm doing. It will not take me beyond 2 years. और आप जानते कि जो मैं ये कर रहा हूं 2 साल से ज्यादा मुझे आगे नहीं बढ़ा पाएगा. No savings. कोई बचत नहीं. Nothing is there. कुछ भी बचा नहीं है. What you earn, you eat and finished. जो भी आप कमाते हो खाते हो खत्म हो जाता है. Hello? Are you getting me now? क्या आपको समझ में आ रहा है? Your future is, you are concerned. आप अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं. What will happen? क्या होगा? But God says. मगर परमेश्वर कहता है. Let the blood of Jesus come on your hearing.
और प्रभु यीशु का लहू आपके कान पर आ जाए. Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया. When the blood of Jesus comes on your hearing. और जब प्रभु यीशु का लहू आपके कान पर आता है. You will hear the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकोगे. And when you hear the voice of God. जब आप परमेश्वर की आवाज सुन सकेंगे. That instruction will bring you out of the pit in Jesus' name. और वो निर्देश जो है आपको गड्ढे में से बाहर ले आएगा यीशु के नाम में. Can I show you Psalm 107 verse 20 right now? और भजन संहिता का अध्याय 107 उसका 20वां वचन. Come on fast, hurry up. चलो जल्दी से. Come on, say this after me. He sent his word. सभी लोग कहें, वो अपने वचन को भेजता है. Come on, say it louder, louder, louder. He sent his, now repeat after me. He sent his word. And what? And healed them. Can I put it another way? He sent his instruction and healed them. Hallelujah. उसने अपने वचन को भेजकर उनको चंगा किया. अगर हम दूसरी ओर से लगाए तो उसने अपने निर्देश को भेजकर उनको चंगा किया. That means, इसका मतलब one instruction from God can take you from sickness to health. Hallelujah. परमेश्वर की ओर से एक निर्देश जो है आपको बीमारी से निकालकर स्वास्थ्य में ले आएगा. Read the second line. अब दूसरे पंक्ति को पढ़ें. And delivered them from their destruction. और उनकी तबाही से उनको छुड़ा लिया. सब बोलो तबाही. सब लोग बोले तबाही. What is the meaning of तबाही? और ये तबाही का मतलब क्या है? Poverty. गरीबी. Confusion. गड़बड़ी. Problems. समस्याएं. Sickness, बीमारियां, disease, रोग, witchcraft, जादू टोना, destruction, वो है तबाही. How did God deliver them from their destruction? और कैसे परमेश्वर ने उनको उनकी तबाही से छुड़ाया? One instruction, एक निर्देश. Somebody say one instruction. कोई कहेगा एक निर्देश. Lift your hand and say one instruction. अपने हाथों पर उठा के बोलो एक निर्देश. Now how many of you know? और कितने लोग जानते हैं? That you know that one instruction from God can change your life. Then why are you not receiving that instruction? और आप जानते हैं कि परमेश्वर की ओर से एक निर्देश आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो आप उस एक निर्देश को क्यों नहीं पा रहे हैं? God, I know you can change my life in one instruction. और प्रभु मैं जानता हूं कि एक ही निर्देश में तो मेरी जिंदगी बदल देगा. Then why are you not giving me that instruction? तो मुझे वो निर्देश क्यों नहीं दे रहा है? The answer is, जवाब ये है, God is giving you the instruction. परमेश्वर आपको निर्देश तो दे रहा है. But you are deaf, you cannot hear. मगर आप बहरे और सुन नहीं पा रहे हो. हेलो, बोले मैं बहरा नहीं हूं, कान सुनाई देता है. बोले तेरे आत्मिक कान बहरे हैं. परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, सुनो, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं. सोचो मत कि तुम लोग, मैं ऐसा सबको देखता हूं. मैं, मेरी नजर घूमते रहती है. हाँ, कोई भी लोग ऐसा बैठ रहता है, उनके सामने भोंगा बजा, पों पी कुछ कर, ऐसे ही सुन रहे हो क्या? कभी कभी बाहर जाओ, दे आर द मोस्ट एक्टिव पीपल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में, दे आर लाइक डंबोस. एकदम बुद्धू जैसे रहते हैं वो. I'm telling you. कहते हैं आपसे. They are not dumb people. Their spiritual ears are closed. बुद्धू लोग नहीं है, मगर उनके आत्मिक कान जो है वो बंद हैं. That's why you're suffering. और इसी वजह से आप दुख उठा रहे हो. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Prophecy. भविष्यवाणी आती है. ऐसा करता ऐसा. क्या बोला? I'm telling you. कहते हैं आपसे. Everything else they can understand because the blood of Jesus has to come on your ears. प्रभु यीशु का लहू जो है आपके कान पर आने की जरूरत है. Now first instruction. पहला निर्देश. How many of you going to do that? कितने लोग करेंगे ये? For the next 7 days. अगले 7 दिन तक. You're going to do this. आपको ये करना होगा. Keep your hands on your ears. अपने कान पर हाथ रखो. Say it in English first. और बोलिए पहले अंग्रेजी में. All those watching say this now. सभी लोग जो देख रहे हैं बोलो. Say blood of Jesus. बोलो प्रभु यीशु का लहू. Open my spiritual hearing. English में बोलिए. Say blood, precious blood of Jesus. Come upon my ears. Open my ears, O God, to hear your voice. Say that again. Precious blood of Jesus. Come upon my ears. Open my ears to clearly hear your voice. Hindi mein boli. Mere piche kahe, Prabhu Yeshu ka lahu. Mere kaan par aaye. Prabhu mere aatmik kaano ko khol de. Taki main teri awaaz ko saaf taur par sun sakun. Hallelujah. Bolo hallelujah. Are you listening? आप सुन रहे हैं? Guard your ears carefully. अपने कानों की अच्छे से पहरेदारी करो. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं? When you start praying like this, जब आप इस तरह से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, in the nights, रात में, pray this one prayer for 5 minutes. Timer रखो, tak tak tak, pray करो, 5 minutes. Lord, let your blood come in my ears. Lord, open my ears to receive your voice of instruction. If you pray like this, God will start talking to you. और जब आप इस तरह से प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर मेरे कानों को खोल दे और मैं तेरी निर्देश की आवाज को सुन सकूं, जब ऐसी प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपसे बोलने लग जाएगा. Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया. Not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, the wrong things will not enter your ears. गलत चीजें जो है आपके कान में आ नहीं पाएंगी. Because faith comes by hearing, क्योंकि विश्वास जो है सुनने से आता है. Fear also comes by hearing, और डर भी सुनने से ही आता है. संभाला, इतने बोल के झांसा देके चला जाता है.
And you say, acha, paisa samala, khalas, gaya, ghus gaya andar. When you pray for the blood, जब आप लहू के लिए प्रार्थना करते हो, that wrong thing will not enter your ears. और वो गलत चीजें जो है आपके कान में आ नहीं पाएंगी. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Some gossip auntie will come. और कुछ काला फुसी करने वाली आंटी आएगी. Tell your neighbor, gossip auntie. अरे बड़े से बोलो काला फुसी करने वाली आंटी. तेरे को मालूम है ऐसा. Such aunties will not come near you. ऐसी आंटियां जो है आपके नजदीक नहीं आएंगी. Such uncles will not come near you. ऐसे अंकल आपके नजदीक नहीं आ सकेंगे. बोले तू जो बोल रहा है सुना नहीं दे रहा, मेरा कान अभी खाली अच्छी बातों को सुनता है. हालेलुया. Somebody shout a hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया. I'm joking, but it's the truth. भाई मजाक ये कर रहे हैं मगर ये सच्चाई है. People will criticize you. लोग आपकी निंदा करेंगे. तू ना नहीं 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 तेरे को सुनाई नहीं देगा. बोले क्या बोला? God bless you. बोले इसको गाली दिया, God bless you बोल रहा है. Everyone say blood of Jesus. सभी बोलो यीशु का लहू. On my ears. मेरे कानों पर. लोग थोड़ा सा कुछ बोलते हैं तुम्हारा फूक जाता. Yes or no? हाँ या नहीं? That is why you need to pray for the blood of Jesus. और इसी वजह से आपको यीशु के लहू के लिए प्रार्थना करनी है. Your little thing about you. आपके बारे में छोटी सी थोड़ी सी बात आप सुन लेते हैं. उसने ऐसा बोलो. लगा सा बोलो. लगा. अरे गया ना तेरा एक घंटा. उसको समझा से समझा तेरा एक घंटा गया ना. Friends. दोस्तों. Many of you, आप ऐसे बहुत सारे लोग, you don't know the secret. आप इस सच्चाई यानी इस रहस्य को जानते नहीं हैं. This is how you function in your priesthood. और इसी तरीके से आप अपने याजक पद में काम करते हैं. Secondly, दूसरी चीज़, the blood came on the right thumb. और लहू जो आया दाएं हाथ के अंगूठे पर आया. Lift your hands and say, blood of Jesus. अपने हाथ उठाकर ऐसा कहे, यीशु का लहू. On my hands. मेरे हाथों पर. If you do you know why the thumb? आप जानते हैं ये अंगूठा क्यों? If you don't have the thumb, अगर आपके पास अंगूठा नहीं, you cannot catch anything properly. तो आप कुछ भी अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे. Hello. Hello, are you listening? आप सुन रहे हैं? If you don't have a thumb, अगर आपके हाथ उठाना हो, hold things properly. तो आप चीजों को सही तरह से थाम नहीं सकेंगे. One thumb makes such a difference. और देखिए एक अंगूठा इतना फर्क ले आता है. That means. इसका मतलब. When the blood comes on your hands. जब लहू आता है आपके हाथ पर. The work of your hands will prosper. आपके हाथ के काम आशीषित हो जाएंगे. Say blood of Jesus on my hands. बोलो प्रभु यीशु का लहू मेरे हाथों पर. See when your hands are only not good. और देखिए जब आपके हाथ ही सही नहीं है. What you do will also not be good. तो जो कुछ भी आप करोगे वो भी तो अच्छा नहीं. परमेश्वर के लिए आप जो सेवा टहल करते हैं परमेश्वर के नजरिए से ग्रहण यज्ञ होना चाहिए. Somebody shout an amen. तो चिल्लाए आमेन. So when the blood of Jesus comes on your hands, जब प्रभु यीशु का लहू आपके हाथों पर आता है, when you say, Lord, I cover my hands. Come on, everyone, say, I cover my hands. सभी लोग कहें मैं अपने हाथों को ढकता हूँ. Say in English first, say, I cover my hands. The work of my hands with the blood of Jesus. Say, I cover my hands. I cover the work of my hands with the blood of Jesus. मेरे पीछे का हिंदी में बोलिए. मेरे पीछे का मैं अपने हाथों को और अपने हाथ के कामों को प्रभु यीशु के लहू से ढक लेता हूं. आज से प्रार्थना करनी है. आज सबको प्रार्थना. So now you start doing some work. तो अभी आप देखो कुछ काम करना शुरू करते हैं. Suddenly you will see that work being fruitful. और अचानक आप पाएंगे कि वो काम जो आप कर रहे थे फलदायी होने लगा है. Now what you touch? अब आप जो भी छुएंगे start prospering. वो समृद्ध होने लग जाएगा. How many feel listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Hello. बोले ये जिसको छूता है उसको आशीष आती है. Because now, क्योंकि अब the blood of Jesus on your hands. यीशु का लहू आपके हाथों पर है. Come on, lift your hands and say the blood of Jesus on my hands. अपने हाथ लगाकर बोलिए यीशु का लहू मेरे हाथों पर. I cover the work of my hands with the blood of Jesus. मेरे हाथ के कामों को मैं यीशु के लहू से ढक लेता हूँ. Even children must write like, children must pray like this. और बच्चों को भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए. You'll hold your books will start prospering. Hallelujah. अगर आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, you will get wisdom, you will get understanding from God. और आप अपने पढ़ाई लिखाई के लिए परमेश्वर की बुद्धिमानी को समझदारी को पाने लग जाएंगे. The money which comes in your hand will be blessed. Hallelujah. और जो पैसा आपके हाथ में आएगा वो आशीष हो जाएगा. Somebody shout an amen. कोई चिल्लाएगा आमेन. आपको मालूम है on the blood, on the money, they do something on the money. आप जानते हैं पैसों पर वो कुछ ऐसा करते हैं. You know how they send poverty? आप जानते हैं गरीबी को कैसे भेजते हैं? They use money to send poverty to you. वो पैसों का इस्तेमाल करते हैं गरीबी को आपके पास भेजने के लिए. They take money. पैसा लेते हैं वो. They do something and give it to you. उस पर कुछ करके वो आपको देंगे. Now your money will dry up. अब आपका पैसा सूखने लगेगा. But when that money comes in your hand, अगर जब वो आपका वो पैसा आपके हाथ में आता है, they will keep on doing that. वो करते रहेंगे. That money will become blessed. Hallelujah. अगर वो पैसा जो आशीष होता चला जाएगा. Hallelujah. Somebody shouting amen. कोई चिल्लाए amen. Are you getting me what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है भाई कह रहे हैं? कितने लोग करेंगे? क्या बोला ब्रदर ने? Today I'm going to put these points on the Facebook. आज इन प्रार्थना मुद्दों को Facebook पे डालेंगे. Thirdly, तीसरा, the blood of Jesus, the blood came upon the legs. और हम देखते हैं वो लहू जो था वो टांगों पर भी आया. Do you know why the toe? आप जानते हैं अंगूठा क्यों? Because if the toe is not there, person will lose the balance. और क्योंकि अगर अंगूठा ना हो तो व्यक्ति जो अपना संतुलन गवां बैठेगा. How many feel listening right now? Say, I cover my walk with the blood of Jesus. सभी लोग कहें,
मैं अपनी चाल को प्रभु यीशु के लहू से ढक लेता हूं. Come on, say it loudly. I cover my walk with the blood of Jesus. चलो जोर से बोलें. Quick. मैं अपनी चाल को प्रभु यीशु के लहू से ढक लेता हूं. Many of you are going in the wrong ways. और आप में से बहुत सारे लोग जो है गलत रास्तों पर जा रहे हैं. One person wrote to me. एक व्यक्ति ने लिखा. I said, I don't know why, but after work my feet go to that auntie का अड्डा. और पता नहीं क्यों मगर काम के बाद मेरे पांव जो है आंटी का अड्डा की ओर ही जाता है. Why, brother? क्यों भाई? मैं हमेशा लेता हूं मेरी बीवी के साथ क्या झगड़ा होता है लेकिन क्या होता है पता नहीं मेरा पैर उधर जाता है. You need the blood of Jesus. आपको यीशु के लहू की जरूरत है. Many of the people are visiting prostitute dens. और बहुत सारे जो वेश्यापन करने वाले लोगों के यहां जाते हैं. Book of Proverbs says, और नीति वचन की पुस्तक में लिखा है. My son, मेरे बेटे, don't let your feet go to her house. और तुम्हारे पांव जो है उसके घर की ओर ना जाने पाए. Hello, are you listening? Your feet are going in the wrong ways. और आपके पांव जो है गलत रास्ते पर जा रहे हैं. In adultery. व्यभिचार में. In fornication. गंदे कामों में. You know going to her house you will fall in sin but still you're going. आप जानते हैं कि उस घर में जाने से आप पाप में गिरेंगे फिर भी आप जाते हो. You know that going to this man's house you will fall in sin. और आप जानते हैं कि इस आदमी के घर में आप जाएंगे तो आप पाप में गिरोगे. You know that she's alone he's alone so you're going over there you're like a lamb you are led. और देखिए आप जानते हैं कि वो अकेला है वो अकेली है फिर भी आप वहां जाते हैं एक मेमने के जैसा जैसा आपको खींचकर आपकी अगुवाई वहां चली हो जाती है. Your feet are slipping. और आपके पांव फिसल जाते हैं. You know going to this person's house you start gossiping. और आप जानते हैं कि अगर उस व्यक्ति घर में आप जाएंगे तो कानाफूसी करने लगेंगे. But still you're going. मगर फिर भी आप जाते हो. You know that if you go with these boys, with these friends, you will fall into alcohol, drugs, and other homosexual activities. Still you're going. और आप जानते हैं कि लड़कों के साथ अगर आप जाओगे तो मादक पदार्थों के शराब के और समलैंगिकता के पाप में आप गिर जाएंगे फिर भी आप जाते हैं. Blood of Jesus on your legs. यीशु का लहू आपकी टांगों पर. May your feet never slip in Jesus name. और आपके पांव कभी फिसले नहीं यीशु के नाम में. May your feet never slip in Jesus name. आपके पांव कभी फिसले नहीं यीशु के नाम में. David prayed. दाऊद ने प्रार्थना किया. You make my feet like deer's feet. और तू मेरे पांव को हिरण के पांव जैसा बनाता है. Hallelujah. बोलो हालेलुया. When the lion is after the deer. और जब शेर लगा रहता है हिरण के. What saves the deer, you know? और आप जानते हैं हिरण को क्या बचा लेता है? It's the feet, hallelujah. वो पांव ही है. It just runs, hallelujah. वो बस भागने लग जाता है. You need good feet, hallelujah. आपको अच्छे पांव की जरूरत है. Feet that are grounded in the word of God. और वो पांव जो परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े हुए हैं. When the blood of Jesus comes on your legs. और जब प्रभु यीशु का लहू आपकी टांगों पर आता है. Your walk with God will improve, hallelujah. और परमेश्वर के संग आपका जो सफर आपकी जो चाल है वो सुधरती जाएगी. Somebody shout an amen. कुछ चिल्लाए आमेन. How many of you listening right now? इधर सुन रहे इस वक्त. Lift your hands and say, let my feet walk. Say, I cover my feet. अपने हाथ लगा बोले मैं अपने पांव को ढक लेता हूं विद द ब्लड ऑफ जीसस यीशु के लहू से. से आई कवर माय वॉक विद विद गॉड विद द ब्लड ऑफ जीसस. और बोलिए मैं अपनी चाल परमेश्वर के साथ जो मेरी चाल है उसे यीशु के लहू से ढक लेता हूं. से माय फीट विल नेवर गो अस्ट्रे इन जीसस नेम. और बोले कि मेरे पांव कभी फिसलेंगे नहीं कभी भटकेंगे नहीं यीशु के नाम में. My feet will never go astray in Jesus name. और मेरे पांव जो है गलत रास्ते पे कभी भटकेंगे नहीं यीशु के नाम में. I will walk in the word of God in Jesus name. मैं परमेश्वर के वचन पे चलूंगा यीशु के नाम में. Somebody give Jesus a shout right now. कोई तो यीशु को जोर से तालियों के बीच चलाए इस वक्त. Hallelujah. Give Jesus a shout. चलो यीशु को जोर से तालियों के बीच चलाएं. Stand up right now. Stand up right now. खड़े हो जाओ. खड़े हो जाओ. जल्दी ये महिला I see a tree. भाई एक पेड़ को देख रहे हैं. The root is dried up. उसकी जड़ सूख गई है. I see your roots dried up. अब भाई देख रहे हैं कि आपकी जड़ सूख गई है. Now listen to wait, I'll show you. अब सुनो जरा. I want to share something with this lady. कुछ बताना चाहेंगे इसमें. There is a heavy attack against this family. इस परिवार के खिलाफ में भारी हमला किया गया है. I see everybody scattered in this family. और देख रहे हैं कि आपके परिवार का हर एक सदस्य जो यहाँ वहाँ तितर बितर हो गया है अलग-अलग हो गया है. There's a fight and confusion in this family. और इस परिवार में लड़ाई झगड़े गड़बड़ी पूरी छाई हुई. This place really God is delivering you. इस जगह पर सच में परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है. Name is Daksh Vijan. He comes from Andheri. इस भाई का नाम दक्ष विजन है अंधेरी से. He regularly attends the family blessing meeting. Yes. और ये कहते हैं हर बार ये पारिवारिक आशीर्वाद की सभा में भाग लेते हैं. He joined a company named TLC as a telesales executive in November 2016. ये कहते हैं नवंबर 2016 में TLC कंपनी में ये ज्वाइन हुए. He says in his team there were 5 people including him. और ये कहते हैं कि इनकी मंडली में 5 जन थे इनको मिलाकर. Others were experienced with 5 to 7 years. और ये कहते हैं कि जिस जगह पर ये काम करते थे दूसरों के पास अनुभव था 5 से 7 सालों का वहाँ काम करके. This brother's monthly target was to make 15 sales. You had no experience. Fresher. You are a fresher. ये नए इन्होंने ज्वाइन किया था इनके पास अनुभव था. So they used to call you बच्चा है. What? Yeah. बच्चा है. मतलब fresher. बच्चा है कच्चा है and all that stuff ना. Exactly. Yes. Okay. Everyone.
everyone and his team would achieve the target. और इनका लक्ष्य दिया जाता था कि और सभी जनों को मिलता था लेकिन इन्हें नहीं मिलता था वो जितना. How many sales you have to do in a month? In a week? In a week, from eight sales. Yeah. Compulsory. और आठ sales करने पड़ते थे इन्हें हफ्ते में. नहीं तो kick on your pants. Yeah. Don't ask me what's kick on the pants, okay? Yes. आगे बोलो. He was stuck only on three sales. और ये कहते हैं कि तीन ही sales कर पाते थे जबकि आठ करना था. फिर वापस शुरू कच्चा है बच्चा. Okay, सुनो आगे बोलो. And his team members would comfort him saying, "You're just a fresher." और इनके मंडली के जन कहते थे कि तुम नए हो. बाजू वाले को बोलो मनुष्य झूठी तसल्ली देगा तुम्हें. धर्मात हो जाएगा कब हो जाएगा यू नो है ना आप लोग झूठी तसल्ली खा के मोटे हो गए है ना. But today I pray God do something for you in Jesus' name. आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कुछ करे यीशु के नाम में. Yes, connect with God. What happened then? I want to know what happened. Yes, hurry up, guys. They further said, "You're still learning." और इनसे कहा गया कि तुम सीख रहे हो अभी भी. But he used to get frustrated. और ये बहुत दुखी हो जाते थे. But in Jan month. ये कहते हैं जन ये महीने में. He prayed to God in the family blessing meeting. ये कहते हैं कि पारिवारिक आशीर्वाद की सभा में इन्होंने प्रार्थना किया. That he cannot do it alone. इन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर से और कहा कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता. And he told God, I need your strength. और इन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आपके सामर्थ्य की आवश्यकता है. Come on, how many of you need God's strength? Lift your hand. Do it. कितने लोगों परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है? अपने हाथ उठाइए. From that day, the entire scene changes. Everyone. Is stuck only on 3-4 sales. Others and God are, made him. Others are stuck on 3-4 sales. And how many sales he's doing? He's doing 8 sales. और ये 8 sales करने लगे और दूसरे जन 3-4 sales पर अटके रहे. The tables are reversed. Hallelujah. Lift your hands. Lift your hands and say, Lord, do something for me also. अपने हाथ लगा बोलिए प्रभु मेरे लिए भी कुछ कर.